एपिसोड 1 में आपने अभी तक देखा कि सिब्बू और स्वाति के मम्मी पापा घर पर नहीं होते। सिब्बू अपने घर के पास वाले भूत बंगले में जाने से स्वाति को मना करती है, पर स्वाति सिब्बू को बोलती है कि वहाँ कोई भूत बंगला नहीं। फिर वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ पर जाकर देखेंगे कि वो बंगला सच में भूतिया है या नहीं। फिर वो दोनों उस भूत बंगले की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद गार्ड उन्हें अंदर जाने से रोक देता है। लेकिन वो दोनों जैसे तैसे गार्ड को पागल बनाकर वहाँ से भगा देते हैं और चुपके से भूत बंगले के अंदर चले जाते हैं। बंगले के अंदर उन लोगों को एक नींबू पड़ा हुआ दिखाई देता है। स्वाति उस नींबू को उठा लेती है और ऐसा लगता है कि स्वाति के अंदर कोई भूत आ गया है। वो लोग वापस से घर आ जाते हैं। उसके बाद स्वाति सिब्बू से कुछ खाने का मांगती है। सिब्बू के मना करने पर स्वाति उसे डरा धमका कर अपना काम करवाती है और साथ ही साथ घर का सारा काम करवाती है और अपनी पूरी सेवा करवाती है। सिब्बू को लगता है कि सच में कोई भूत स्वाति के अंदर आ गया है, तो डर के कारण सिब्बू स्वाति की खूब सेवा करती है और घर का भी सारा काम करती है। और जब मम्मी वापस से घर आती है तो स्वाति सारी कहानी मम्मी को बताती है कि स्वाति के अंदर कोई भूत वूत नहीं आया था, ये सब तो स्वाति की प्लानिंग थी। स्वाति ने ये सब इसलिए किया था ताकि स्वाति को कोई काम ना करना पड़े और वो सिब्बू को डरा कर और पागल बनाकर अपनी सेवा करवा सके और घर का सारा काम करवा सके। ये सब सुनकर सिब्बू स्वाति के पीछे उसको मारने के लिए दौड़ती है और दौड़ते दौड़ते वो लोग फिर से भूत बंगले के सामने पहुंच जाते हैं। और फिर अचानक एकदम ऐसा लगता है कि सिब्बू के अंदर कोई भूत आ गया है। जिसने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है वो जाके एपिसोड 1 देख लो। और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अरे दी, आप अभी तक स्टैचू बन के बैठे हो? मैं तो नहा धो के तैयार भी हो गई। अरे बोलो ना कुछ। वैसे दीदी, आपको पोपट बनाना ना इतना आसान है, कोई भी आराम से पोपट बना के चला जाए। अरे दी बोलो ना कुछ। नहीं बोलना? ठीक है मत बोलो, मुझे क्या। मम्मी देखना दीदी को क्या हुआ है, इतनी देर से स्टैचू बन के बैठी है, कुछ बोल ही नहीं रही। क्यों क्या हुआ? अरे मम्मी मैंने थोड़ा सा मजाक क्या कर लिया, वो तो सीरियस हो गई, तब से चिड़ी बैठी है। तुम दोनों भी ना बस लड़ते रहा करो, चल हट, मैं देखती हूँ उसको। सिब्बू ये सामान की लिस्ट है, नीचे जा और दुकान से सामान ले आ। अरे बेटा मजाक तेरे साथ स्वाति ने किया है, तू उससे चिढ़, मेरे से क्यों चिढ़ रही है? सिब्बू मैं यहाँ कुछ बोल रही हूँ, तू सुन क्यों नहीं रही? सिब्बू अरे मम्मी मैं ना कुछ जरूरी काम कर रही हूँ, आप मेरे को परेशान मत करो। मैं इतनी देर से तेरे से बात कर रही हूँ और तू कोई जवाब नहीं दे रही है, फोन में लगी हुई है, मैं भी तो देखूं किससे बात कर रही है। दिखा किससे बात कर रही है? अरे मम्मी आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी ना किसी से बात ही कर रही होंगी? अच्छा तो फिर क्या कर रही है दिखा? मैं फोन पर पैसे कमा रही हूँ। मेरे को पागल मत बना, फोन में कैसे पैसे कमा सकते हैं? अरे मम्मी मैं सच बोल रही हूँ, ये देखो ये एक ऐप है, इसका नाम है फेयर प्ले। अब ये कौन सी ऐप है, इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। अरे मम्मी फेयर प्ले एक एक्सचेंज बेटिंग ऐप है। हाँ मैंने बेटिंग के बारे में तो सुना हुआ है, पर क्या हम इसमें भरोसा कर सकते हैं? हाँ हाँ मम्मी फेयर प्ले इंडिया की सबसे सेफ और ट्रस्टवर्दी बेटिंग एक्सचेंज ऐप है। यहाँ बाकी बेटिंग प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छे ऑर्ड्स मिलते हैं, जहाँ सेम अमाउंट के सौदे पर ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। मैंने खुद बाकी प्लेटफॉर्म से कंपैरिजन करके देखा है। और लॉस? अरे मम्मी आप लॉस वगैरह का टेंशन मत लो, फेयर प्ले इकलौता बेटिंग ऐप है जहां पूरे आईपीएल सीजन में 15% हार्कट बोनस मिलता है और यहां तक कि 15% रेफरल बोनस भी मिलता है आपके दोस्त के हर डिपॉजिट पर। और आपको पता है इसके अलावा फेयर प्ले पे लॉयल्टी प्रोग्राम भी है और लाइव कार्ड्स कैसीनो के टर्नओवर पर भी बोनस मिलेगा। ओ तेरी तूने तो बहुत रिसर्च करी इस पर, मैं तो सोच रही थी तू बुद्धू है। अरे मम्मी आप तो ना मुझे बस ऐसी बुद्धू समझती हो। अरे बेटा मैं मान गई तेरे को, तूने तो पैसे कमाने का बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है, पर एक बात बता क्या मैं भी यूज कर सकती हूँ ये ऐप, और अगर मुझे कोई हेल्प चाहिए हो तो? अरे हाँ हाँ मम्मी आप भी यूज कर सकती हो, क्यों नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे 24/7 कस्टमर सपोर्ट है जिससे आपको जब भी कोई भी हेल्प चाहिए हो आप ले सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो।
ये तो बहुत बढ़िया ऐप है, इसको तो मैं भी ट्राई करूंगी। हाँ मम्मी, और मेरा रेफरल लिंक ना डिस्क्रिप्शन में है, आप वहीं से साइन अप करना। और हाँ, आप चिंता मत करना, आपको बस इस पे बेट लगानी है, फिर आप कहीं भी रहो वहीं से पैसे कमाओ। और हाँ एक और चीज, यहाँ पे इंस्टेंट विड्रॉल भी है। अरे वाह, फिर तो आज ही ट्राई करनी पड़ेगी ऐप। तू ये लिस्ट ले और सामान ले आ, मैं भी अपना फोन लाके इसको अभी डाउनलोड करती हूँ। अरे बेटा, वो मेरे से तो बात कर रही है, तेरे से बतानी क्यों नहीं कर रही थी? और वो ना फोन में ना किसी ऐप में लगी हुई थी, तो हो सकता है इस वजह से तेरी बात ना सुनी हो। और मैंने उसको सामान लेने भी नीचे भेजा है, और वो आ जाए ना तो तुम दोनों भी आराम से खाना खा के सो जाना, क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना है और मैं तो जा रही हूँ भाई सोने। दीदी एक बात बताओ, ये क्या नौटंकी कर रहे हो आप? मम्मी से आप बात कर रहे हो, मुझसे आप बोल नहीं रहे, स्टैचू बन के बैठे हो। अरे दीदी, मैंने आपको बोला तो, जो हो गया सो हो गया, रात गई बात गई, आप भूल जाओ ना। और आपको तो पता है ना, मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। चलो ना दीदी, सोने चलते हैं। अरे दीदी भूल जाओ ना, चलो ना। चलो ना दीदी, दीदी चलो ना, मुझे नींद नहीं आती। दीदी चलो ना, दीदी चलो ना, चलो। कितने भारी हो गए हो आप। क्या हरकत है दी, ये आपकी ट्रिक्स ना मेरे ऊपर नहीं चलने वाली। आपको क्या लगता है, आप कैसे घूर घूर के देखने से मैं डर जाऊंगी? जाओ ना दी, मैं नहीं डरने वाली। और आपको क्या लगता है, जैसा मैंने आपका पोपट बनाया था वैसा ही मेरे साथ करोगे? जाओ ना दी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और मुझे ना नींद आ रही है, सोने दो। ओके बाय, गुड नाइट। मैं तो डर गई। मैंने आपको कितनी बार समझाया, आपके पैतरे ना मुझ पे काम नहीं आने वाले। और ये 2.5 रुपए का पाउडर और 3.5 रुपए के मेकअप लगा के ना मुझे मत डराओ, मैं भी यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ। जाके इसको धोआओ और सो जाओ आराम से, और आधे टाइम में लाइट बंद कर देना प्लीज। मरो। दीदी क्या सर पे चढ़ के बैठे हो?
अरे दीदी कहाँ गई? वैसे तो मम्मी की डांट खाई बिना उठती नहीं है, आज कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे डांट खिलाने के चक्कर में आज मुझसे पहले जाके तैयार हो गई? जाके मम्मी से पूछती हूँ। मम्मी दीदी कहाँ गई? अपने रूम में ही होगी, सो रही होगी, उठा दे जाके उसको भी। मम्मी रूम में नहीं है तभी तो पूछ रही हूँ। अरे होगी यहीं कहीं, घर से बाहर कहाँ जाएगी, देख ले जाके। एक तो दीदी भी ना पता नहीं सुबह सुबह कहाँ गायब हो गई। मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी लेकिन मैं रेडी हो जाती हूँ। उनका क्या है, वो तो कॉलेज में है, छुट्टी भी कर लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। मम्मी मैं स्कूल के लिए जा रही हूँ, मैंने टिफिन ले लिया है, जल्दी जाना पड़ेगा। यार इतनी रात हो गई, मैं भी ना खामखाई शिखा की बातों में आ गई, बर्थडे के नाम पे घर बुला के और केक भी नहीं खिलाया, और मैंने तो मम्मी को इन्फॉर्म भी नहीं किया था। मम्मी खामखा में परेशान हो रही होंगी, और इस दीदी ने तो मम्मी के कान भर भर के ना और भड़का दिया होगा मम्मी को। चल स्वाति जल्दी चल, बहुत लेट हो गया, बचा ले खुद को। लगता है दीदी ने सब संभाल लिया इसीलिए मम्मी सो गई। अब जाके दीदी को थैंक यू बोलती हूँ। अरे दीदी अभी भी रूम में नहीं है, बालकनी में देखती हूँ। अरे दीदी ये क्या क्या हुआ आपको, आप अभी तक सोए नहीं? यार दीदी आपने तो ना सच में हद कर दी, आज दूसरा दिन है और आपकी नौटंकी अभी तक चालू है। चलो मान लिया मैंने कुछ घंटों के लिए पागल बनाया था, लेकिन आप तो कल से पागल बनाने पे लगे हो। यहाँ मैं आपको थैंक यू बोलने आई थी मम्मी से बचाने के लिए, लेकिन आपकी तो नौटंकी अभी तक चालू है। अरे दीदी आप कुछ बोल भी रहे हो या नहीं बोल रहे? और गाइस अगर आपको मेरी बहन बहन और भूत का सेकंड पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करके बताओ मुझे, कमेंट भी करके बताओ, और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर देना, और अगर आप पार्ट 3 के लिए एक्साइटेड हो वो भी मुझे कमेंट में बताना। मेरे को भाई शूट करके बहुत मजा आया, बट मैंने सोचा कि थर्ड पार्ट भी एक साथ ही शूट कर लूं, पर मैं अब शूट नहीं कर पाई क्योंकि जिस दिन मेरा शूट था मतलब जिस दिन मैं सेकंड पार्ट शूट कर रही थी उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए जस्ट मैंने सेकंड पार्ट तक शूट करके शूट रोक दिया था। अब मैं थर्ड पार्ट भी शूट करूंगी अगर आप बहुत ज्यादा कमेंट करते हो तो। ओके बाय बाय, लव यू, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मतलब पार्ट 3 के साथ। लव यू, टेक केयर।